द इन्फीरियर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टैम तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई जैसे हमारा ये सैरिब्रम है ये आपका मिड ब्रेन है फिर मिड ब्रेन के बाद में पोन्स है मेडुला है इधर बैलम बताया ये आपकी क्या है स्पाइनल कोड आ जाती है सैरिब्रम तो लार्जेस्ट पार्ट है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट बैलम होता है पूछा क्या है तो ब्रेन स्टैम में तो मैंने आपको तीनों बताए थे मिड ब्रेन आया था फिर आपका पोन्स आया था और मेडुला आया था है ना तो और आता है तो सारी ब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है तो ये आपका में में नहीं आता, सारी में नहीं आता आता होता है brain का. है का ना तो आपका ग्रे मैटर दिया आपका मेडुला हो जाएगा इंफीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टैम जो आपका ये मेडुला होता है ये भी ब्रेन स्टैम में आता तो inferior part है तो इंफीरियर पार्ट है ब्रेन स्टैम का मेडुला ओब्लंगाटा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सी एन एस सी एन एस के पार्ट नहीं है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है एक तो ब्रेन आता है दूसरा क्या आता है स्पाइनल कोड आता है है ना तो देखिए स्पाइनल कोड आएगा आपका सैरिब्रो स्पाइनल फ्लू तो आपका जो है वेंट्रिकल्स में सब स्पेस में यहाँ फ्लो कर रहा है तो ये भी आ जाएगा सेरिब्रम तो है ही लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है ना सोमैटिक नर्व इसमें नहीं आएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सोमैटिक नर्व्स नहीं आएगा बाकी तीनों आ जाएंगी नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन ब्रेन ब्रेन इज कवर्ड बाय हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स तो मैंने आपको बताया ब्रेन जो है हमारा ये कवर होता है मेम्ब्रेन जो आपकी इनको क्या बोलते हैं मैनज़स मैनजिस जो होती है ये मेम्ब्रेन्स होती है ब्रेन को कवर करती है ना तो मैंनेजिस कितनी होती है मैंने आपको बताई तीन होती है डैप से याद करना बताया आउटर मोस्ट ड्यूरा होती है बीच में अरेक्नोड मेम्ब्रेन होती है इनर मोस्ट पाया मीटर होती है ना पाया मीटर ओके और ड्यूरामीटर और एरेकनोइड के बीच का स्पेस सब ड्यूरल स्पेस एरेकनोयड और पायामीटर के बीच का स्पेस सब एक्नोइड स्पेस सब एरैक्नोड स्पेस में सी एस एफ प्रेजेंट रहता है हमारा सैरिब्रो स्पाइनल फ्रूड तो आपसे सिंपल पूछा ब्रेन इज कवर्ड बाय हाउ मेनी मेम्ब्रेन कितनी मेम्ब्रेन कवर कर रही है ब्रेन को तो तीन कर रही है डैप से हमने याद करा ड्यूरामीटर ड्यूरोीटर और पायोमीटर तो सिंपल आंसर करिए ऑप्शन ए थ्री ओके नेक्स्ट है मैनेंजेस ऑफ थ्री थिन मेम्ब्रेन डेट प्रोटेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिल्कुल सही है मैनेंजेस तीन होती है थिन मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटेक्ट करती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्रेन और स्पाइनल कोड को विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दैम तो मैंने आपको बताया है ड्यूरोीटर होता है एरैक्नोइड मेम्ब्रेन होता है पाया होता है मीडियम सल्कस इसमें नहीं आता ऑप्शन फोर नेक्स्ट क्वेश्चन विच कॉम्पोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है एंड हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन सा कॉम्पोनेंट है सेंटर नर्वस सिस्टम का भाई ब्रेन स्टेम दिया है सारी बैलम दिया है सारी बैलम तो हमारी बॉडी का पोस्चर और बैलेंस जो है पोस्चर और बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है सैरिब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का तो ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए हाई ऑर्डर थिंकिंग के लिए रीजनिंग के लिए इसमें मैंने फ्रंटल लोब आपको बताई थी सेरिब्रम में है ना तो वो रीजनिंग का थिंकिंग का मतलब ये सारा काम फ्रंटल लोब का है है ना बाकी स्पाइनल कोड दिया आंसर इज ऑप्शन थ्री नहीं सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइज बीज टू मेन मेजर कॉम्पोनेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया था क्या आता है एक तो ब्रेन आता है दूसरा हमारा स्पाइनल कोड आता है सिंपल यही क्वेश्चन है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड लंग्स एंड ट्रैकिया किडनी एंड ब्लैडर लिव एंड गॉल ब्लैडर आंसर इज ऑप्शन वन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड नेक्स्ट ब्रेन इज कवर्ड बाय थ्री लेयर नॉन एज तो ब्रेन कवर होता है तीन लेयर जिन्हें मैनजिस कहा जाता है है ना क्या बोलते हैं मनिंजिस कहते हैं कौन कौन सी है उन्हें क्या कहेंगे यही पूछा है है ना सारी बैलम तो आपका ब्रेन का पार्ट होता है सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है जो पोस्टर एंड बैलेंस जो बॉडी का कंट्रोल करता है सारी बैलम मेडुला जो होता है मेडुला हमारा हमने अभी देखा आ, कि ये तो सारी आ, सारी क्या था सैरिब्रम था उसके बाद ये मिडब्रेन होता है मिडब्रेन के नीचे हमारा पोन्स होता है पोन्स के नीचे मेडुला होता है इधर बैलम होता है है ना तो इस सारी बैलम मेडुला और पोन्स और मेडुला ये हमारे हिंड हाइंड ब्रेन के पार्ट होते हैं है ना तो मेडुला जो होता है हैंड ब्रेन का पार्ट है और ये हमारा जैसे वाइटल सेंटर्स है जैसे कि हमारा ब्रीदिंग को कंट्रोल करेगा भाई रेस्पिरेटरी सेंटर हमारा मेडुला में है कार्डियोवास्कुलर सेंटर हमारा मेडुला में होता है ब्लड वेसल्स का डायमीटर कंट्रोल करेगा वैसोमोट्रो सेंटर हमारा मेडुला में होता है और जो है कफिंग स्नीजिंग जो आ, होते हैं इन सबको भी हमारा मेडुला ही वॉमिटिंग सेंटर भी में ही होता है ओके okay? तो इन सबको मेडुला कंट्रोल करता है इनवॉल्ट्री एक्टिविटीज जो होती है बॉडी की वो मेडुला कंट्रोल करता है ओके okay? तो ब्रेन इज कवर्ड बाय थ्री लेयर नोन एज मिनजि ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इनर मोस्ट अच्छा इसमें लिखा हुआ इनर मोस्ट मेब्रिन पायमीटर एरेक्नोड फिर ड्यूरो हमने देख लिया आउटर ड्यूरोटर अच्छा इन इन वॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन अभी बताया इन वॉल्ट्री एक्शन जैसे कि आपका रेस्पिरेशन है ब्रीदिंग है उसको कंट्रोल करेगा आपका कौन मेडुला करेगा कार्डियोवास्कुलर सेंटर हमारा मेडुला में होता है तो आपका हार्ट बीट कर रहा है सबको भी आपका मेडुला कंट्रोल करेगा आपका जो है वसोमोटोर सेंटर है मेडुला में जैसे आपका ब्लड वेसल का डायमीटर मेडुला कंट्रोल करेगा आपके जो रिफ्लेक्स सेक्शन है जैसे कि कफिंग है स्नीजिंग है इन सबको भी मेडुला कंट्रोल करता है वॉमिटिंग है ये सब मेडुला कंट्रोल करता है तो इन वॉल्ट्री जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं हमारे मेडुला के थ्रू ऑप्शन ए हो जाएगा मेडुला ओबलंग गाटा सैरिबैलम जो होता है पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय सेरिबैलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरिब्रम इज द जो लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का वो सैरीब्रम होता है सैरीब्रम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है पोशन एंड बैलेंस द बॉडी इज कंट्रोल बाय तो पोश्चर एंड बैलेंस को कौन कंट्रोल करेगा भाई सैरिब्रम बैलम मेडुला या पोन्स तो क्या करेगा बैलम जो है जो सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का है ना तो बिहाइंड द पोन्स प्रेजेंट होता है ये ना तो ये पोश्चर एंड बैलेंस को कंट्रोल करेगा नहीं सर सरीब्रोस्पाइनल फ्लूड इज सिक्रेटेड बात है मैंने आपको बताया था वेंट्रिकल्स जो होते हैं ना चार वेंट्रिकल्स होते हैं लेटरल वेंट्रिकल होते हैं राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल होते हैं उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल है ना तो इनमें आपका कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट है कोरोइड प्लेक्सस जहाँ से आपका सी एस एफ प्रोड्यूस होता है तो सी एस एफ आपका वेंट्रिकल्स में फ्लो करता है सब सबेरकोनोड स्पेस में और स्पाइनल कोड की सेंट्रल कनाल में है ना तो आपका सरीब्रो स्पाइनल फ्लूड सिक्रेटेड होता है ऑप्शन बी कोरोइड प्लेक्सस क्स नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का हमारा कौन सा होता है बहुत बार बता दिया सारी तो लार्जेस्ट है थैलमस नहीं होगा सैरिब्रम होगा मेडुला भी नहीं होगा ऑप्शन सी जैसे सर मिडिल प्रोटेक्टिव कवरिंग अभी बताया आपको तीनों प्रोटेक्टिंग मैनेंजिस बताई मैंने आपको आउटर ड्यूरा मीटर मिडिल रेक्नोइड मेम्ब्रेन इनर पाया मीटर तो पाया तो मीटर तो इनर वाली है ड्यूरा मीटर आउटर वाली है मिडल वाली पूछी आंसर इज ऑप्शन सी रेकनोइड मैटर पोन्स जो है मैनजिस में नहीं आता ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइंड ब्रेन में हमारा पोन्स आता है नहीं सर स्पाइनल कोड एंड सटवर्टिब्रल लेवल हो तो मैंने आपको बताया स्पाइनल कोड स्टार्ट होती है हमारी मेडुला से स्टार्ट हो जाती है जैसे हमने ब्रेन का बनाया था है ना तो यहाँ से मेडुला से स्टार्ट हो जाती है और मान लीजिए ये भी कह सकते हो आप एक यहाँ से जो स्कल की ओपनिंग फोराम मैग्नम होता है वहाँ से स्टार्ट होती है और आप ये भी कह सकते हो सर्वाइकल के फर्स्ट से ही स्टार्ट हो जाती है और ये एंड कहाँ पर होती है लंबर के फर्स्ट सेकेंड पर तक एंड होती है मैंने बताया था ना ऑप्शन बी हो जाएगा लंबर फर्स्ट लंबर सेकेंड ओके बाकी आपको ये टी इलेवन टु, ट्वेल्थ थ्रेसिक के दिए हुए हैं ये भी ये थ्रेसिक का ट्वेल्थ लम्बर एल फिफ्टीन दे रखा है ना ठीक है तो ये आपको दिया आंसर इज ऑप्शन बी नेक्स्ट वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन आर लाइंड बाय तो ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स मैंने आपको बताया चार वेंट्रिकल्स होते हैं उनको लाइन कौन करता है है ना देखिए देखिये अपनडाइमोसाइड्स अपनडाइमल सेल्स होती है यही आपके वेंट्रिकल्स जो होते हैं ब्रेन को उनको लाइन करती है, है ना एस्ट्रोसाइट्स जो है ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उसको वो बनाती है एस्ट्रोसाइट्स ओलिकोडेंड्रोसाइट्स जो होती है ये माइलिन शीथ बनाती है ना जो आपने नर्व सेल्स का मैंने आपको बताया था नर्व सेल्स में जैसे हमारा ये नर्व सेल्स होती है ये इसकी प्रोजेक्शंस होती है डेंड्राइट्स होते हैं है ना ये जो एक्जोन होता है फिर ये एक्जोन टर्मिनल होते हैं है ना तो आपका जो न एक्जोन पर जो ये माइलिन शीथ होती है ना ये माइलिन शीथ तो ये जो है आप आपकी माइलिन शीत को कौन बनाता है ये ओलीगोडेंड्रोसाइड्स सेल्स से जो होती है ना ये माइलिन शीत बनाती है वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से में बनाती है माइलिन शीत कौन सी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात होगी तो माइलिन शीत को कौन बनाता है श्वान सेल्स बनाती है और ये जो सारी सेल्स आपकी है एक टाइपिक क्या है ये देखिए मैंने आपको बताया था नर्वस टिश्यू बताया था उसमें न्यूरोस होते हैं और एक न्यूरोग्लिया सेल्स होती है न्यूरोस और न्यूरोग्लिया सेल्स न्यूरोग्लिया सेल्स हमारी सपोर्टिंग सेल्स होती है है ना सपोर्ट करती है न्यूरॉन्स को सपोर्टिंग सेल्स न्यूरोग्लिया सेल्स तो न्यूरोग्लिया सेल्स के ही टाइप हैं जो आप सीएनएस के में न्यूरोग्लिया सेल्स देखोगे तो उसमें अपन अपन डाइमोसाइट्स एस्ट्रोसाइट्स होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती है है ना और एक माइक्रोग्लिया सेल्स भी होती है ये आपकी सी एन एस की न्यूरोग्लिया सेल्स है माइक्रोग्लिया सेल्स जो फैगोसाइटिक होती है एक टाइप की माइक्रोफेजि होती है और जो पी एन एस की जो आप देखोगे न्यूरोग्लिया सेल्स दो क्योंकि एक तो श्वैन सेल्स आती है श्वैन सेल्स क्या करती है श्वेन सेल्स जो है माइलिन शीट बनाती है पेरीफिन नर्वस सिस्टम में और एक सेटेलाइट सेल्स होती है ये भी आपके न्यूरोग्लिया सेल्स में आती है पेरिफिन नर्वस सिस्टम में है ना तो ये सारी आपको ये न्यूरोग्लिया सेल्स ही दे रखे तो वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन जो होते हैं उनको लाइन करती है हमारी एपेंडाइमल सेल्स जो होती है टाइप की है न्यूरोग्लिया सेल्स होती है है ना और सी में ओके तो आपका ऑप्शन वन हो गया अपन डायमोसाइड्स हो गया ओके वेंटिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन इज लाइन बाय स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कोड अपनडाइमोसाइड्स वही अपनडाइमल सेल्स होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम नेक्स्ट देखिए इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्व डोटराइज फ्रॉम सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम तो आपकी जो नर्व होती है जो ब्रेन से अराइज होगी वो तो आपकी क्रेनल नर्व्स होती है और जो स्पाइनल कोड से अराइज होती है वो आपकी स्पाइनल नर्व्स होती है ओके तो कह रहे हैं सेरिब्रम एंड ब्रेन स्टेम से अराइज होती है वो हमारी सिंपल क्रेनल नर्व्स हो जाएंगी जो हमारी ट्वेल्व पेयर्स होती है क्रेनियल नर्वस ट्वेल्व पेयर्स होती है टेम्पोरल नर्वस टेम्पोरल तो लोब है ये भी लोब है स्पाइनल नर्वस थर्टी वन पेयर स्पाइनल नर्वस होती है क्रेनियल नर्वस ट्वेल्व पेयर्स होती है ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्रेनल नर्व नर्व्स दैट अमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम ब्रेन है ना तो क्रेनल नर्व्स जो होती है हमारी ब्रेन से डायरेक्टली uh, अमर्ज होती है इंक्लूडिंग द ब्रेन स्टेम इन कंट्रास्ट टू स्पाइनल नर्व्स विच जो कहाँ से स्टार्ट uh, होती है अमर्ज होती है सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कोड्स ठीक है तो ब्रेन तो से आपकी क्रेनल uh, नर्व्स हो जाएंगी और फिर स्पाइनल कोड से आपकी स्पाइनल नर्व्स हो जाएंगी ओके okay?